अपर जिला सत्र न्यायाधीश श्री कमल जोशी, द्वितीय अपर सत्र जिला न्यायाधीश श्री प्रवीण शिवहरे एवं व्यवहारिक न्यायाधीश श्री जितेंद्र परमार के द्वारा आज न्यायालय परिसर में अधिवक्ता कर्मचारी गण एवं पक्षकारों के मध्य मानवाधिकार दिवस के उपलक्ष्य में तहसील विधिक सेवा समिति के अंतर्गत विधिक साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें श्री कमल जोशी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा मानव मूल्यों के अक्षुण्ण बनाए रखने के हेतु मानवाधिकार के संबंध में विचार व्यक्त करते हुए बताया गया कि हम सभी को एक दूसरे के मानव मूल्यों का सम्मान करने की आवश्यकता है एवं एक दूसरे के हितों का ध्यान रखने की भी आवश्यकता है, तभी मानवीय मूल्यों को समाज में सुरक्षित रह सकते हैं। समाज को उन्नति के पथ पर ले जाने में मानव अधिकारों का अमूल्य योगदान है। लोक अभियोजक सीएल मुजाल्दे द्वारा मानव की उत्पत्ति के समय से ही मानव अधिकारों के संबंध में जागरूकता लाने की आवश्यकता को देखते हुए भारत एवं विश्व में मानव अधिकारों के लिए आयोग का गठन किया जाना व इस संबंध में वर्तमान में परिस्थितियों में अधिकारों की आवश्यकता पर जानकारी दी गई। अपर लोक अभियोजक श्री गोपाल सिंह चौहान द्वारा विधि के माध्यम से मानव अधिकारों को बनाए रखने के लिए आम जनता को प्रेरित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। कार्यक्रम का संचालन करते हुए श्री जितेंद्र सेन के द्वारा बताया गया कि न्यायपालिका एवं कानून के माध्यम से ही मानव जाति को उत्थान एवं उत्कर्ष के लिए निरंतर प्रयास करने की एवं जागरूकता लाने की आवश्यकता है, वहीं मानव अधिकारों के निर्माण की पूर्ति की जा सकती है जिससे समाज सक्षम होगा एवं सामान्य जीवन जी सकेगा। इसके लिए आम जनता के साथ साथ शासन एवं प्रशासन को भी अपने कर्तव्य के प्रति उतना ही सजग रहने की आवश्यकता है जितने अपने अधिकारियों के प्रति। इस कार्यक्रम में समस्त अधिवक्ता गण, कर्मचारी गण एवं पक्षकारों ने अपनी उपस्थितियां दी और दूसरे के प्रति भी पूरीता से इज्जत और उसको भी जीवन जीने का भाव, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जिस राष्ट्र में हम रहें उस राष्ट्र के हितों के प्रति पूरीता से समर्पित रहें ताकि उस राष्ट्र में कोई भी व्यक्ति उसका अव्यवस्था का फायदा ना उठाए और हम सभी अपने अपने क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ें और एक दूसरे के प्रति परस्पर बंधुत्व का भाव रखें, भ्रातृत्व भाव रखें ताकि समाज में सुख शांति हो, एक दूसरे के विकास में उन्नति करने में सहायक बने जो और एक दूसरे की गरिमा का भी ध्यान रखें। धुआं निकल रहा है या प्रदूषण पैदा हो रहा है तो निश्चित तौर पर उसको व्यापार व्यवसाय भी करना है लेकिन साथ साथ में दूसरे के जीवन भी प्रभावित हो रहे हैं। आम सार्वजनिक स्थानों पर